सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी खत्म हुई और अब आप एंटर कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि इस बार आपके यूनिवर्सिटी आपको MCQs देने वाली है सेकंड सेमेस्टर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इवन सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी MCQs देती है, मतलब MCQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे आपने एंट्रेंस में दिया होगा ठीक उसी प्रकार। तो पेपर थोड़ा सा आसान होगा लेकिन सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं आपके। इन सब्जेक्ट्स को देख लीजिए ध्यान से। B.Com सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। पहला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब समझ लीजिए सीधे सीधे कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है इसमें आप सीखेंगे। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज को सीखेंगे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पब्लिक फाइनेंस, इसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है। अगला है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बेसिक सब्जेक्ट है। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और एक वोकेशनल कोर्स, मतलब टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें से 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेजर हैं यानी वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और एक वोकेशनल कोर्स होता है कंपलसरी ये भी होता है लेकिन ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक आपको कह सकते हैं आप इसको कि एक तरह का एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है जो माइनर आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। बाकी आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे सर सिलेबस तो आप बता दिए, सब्जेक्ट्स तो आप बता दिए, लेकिन इनका डिटेल सिलेबस क्या होगा, मतलब एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में बताइए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे एक सब्जेक्ट के। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो देख लेते हैं टॉपिक्स भी आपके। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका ये आपका पहला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब हमने आपको पहले बता दिया। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब होता है कंपनी अकाउंटिंग, कंपनी कैसे अकाउंटिंग करती है, जैसे कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में हो सकता है, इसमें डिबेंचर्स के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा शेयर्स के बारे में, शेयर्स इशू कैसे होते हैं, शेयर्स फॉरफीट कैसे होते हैं, शेयर्स री इशू कैसे होते हैं, शेयर्स का रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स के काइंड्स कितने होते हैं, डिबेंचर्स कैसे इशू किया जाता है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे किया जाता है। यानी पहले यूनिट में आप क्लास 12 का जो 2 चैप्टर आपने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, उन दोनों चैप्टर्स को आप कंबाइन करके समरी के फॉर्म में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ होगा। चलिए अगला यूनिट है आपका कंसेप्ट ऑफ अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी अमालगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, कितने प्रकार के अमालगमेशन होते हैं, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी का ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हैं उनके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन की नीड क्या होती है, रिकंस्ट्रक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल क्या होता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल क्या होता है, स्कीम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। मतलब यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन के विषय में, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के विषय में, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के विषय में। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे कंपनीज के वाइंडिंग अप के विषय में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट में आप पूरी तरह से ये सीखने वाले हैं कि कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, कंपनी में शेयर्स कैसे इशू होते हैं, शेयर्स कैसे फॉरफीट होते हैं, शेयर्स कैसे री इशू होते हैं, रिडेम्पशंस कैसे किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर्स कितने काइंड्स के होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आप पूरे अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर मुझे तो यूनिट 1 आसान लग रहा है और यूनिट 1 जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि यूनिट 1 मैंने कहीं ना कहीं क्लास 12 में पढ़ा था, लेकिन सर व्हाट अबाउट अदर यूनिट्स, मतलब यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ये तो बिल्कुल बाउंस कर रहे हैं, ये तो सर के ऊपर से जा रहे हैं, इसमें जो टॉपिक्स आप बता रहे हैं टॉपिक्स तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो टारगेट सेमेस्टर और टारगेट लखनऊ गुरुकुल जो आपका चैनल है इसके माध्यम से आपकी तैयारी तो कराई ही जाती है। इसके अलावा टारगेट गुरुकुल ऐप पे आपको एक सारथी कोर्स दिया जाता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिया गया था और काफी अच्छा फीडबैक आप सभी का रहा है। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको ये कोर्स दिया जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में होंगे या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में होंगे वो हमारे सारथी बैच से जुड़ सकते हैं और वहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट को देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इसमें 4 यूनिट्स हैं अगेन और 4 यूनिट्स में पहला यूनिट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लॉ ऑफ एजेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब आपको अगर बेसिकली मैं कहूँ तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट में आपको 2 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2 नहीं 3 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और तीसरा है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब आप कहेंगे सर हमने इनका नाम तो सुना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कोई एक्ट होता है, हमने ये भी सुना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोई एक्ट होता है, लेकिन सर इस एक्ट को पढ़ना है क्या पूरा? तो पूरे एक्ट को नहीं पढ़ना है, आपको एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है अगेन आपके लिए बिल्कुल नया है, इसके विषय में आप आज पहली बार सुन रहे हैं इन टॉपिक्स के विषय में। अब जैसे ही आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि सर डर लग रहा है क्योंकि इस सब्जेक्ट से हम बिल्कुल अनजान हैं और इसके लिए मुझे एग्जाम में बैठना है और अभी भी कहीं ना कहीं वो 12th वाला 11th वाला बचपना खत्म नहीं हुआ है, तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें सेकेंड सेमेस्टर के लिए? तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट गुरुकुल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आपको आपका सारथी कोर्स मिल जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का एक समाधान, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका सारथी है जिसमें आपको सारी समस्याओं से निजात दे दिया जाएगा। अगला सब्जेक्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में अगेन 4 यूनिट्स हैं। इसमें पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पब्लिक फाइनेंस के बारे में जानेंगे, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक बजट क्या होता है, बजटिंग के टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, पीबीबी यानी प्रिंसिपल बेस्ड बजटिंग क्या होता है, मतलब आपको अलग अलग प्रकार के बजटिंग्स के बारे में बताया जाएगा जिसमें आपको 2 ही टेक्निक्स दी गए, जेडबीबी और पीबीबी के बारे में। अगला यूनिट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इसमें आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट पैसा तो कमा लेती है अलग अलग सोर्सेज से, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके हमसे पैसा कमा लेती है, गवर्नमेंट डिफरेंट फीस लेके हमसे पैसा कमा लेती है, लेकिन गवर्नमेंट फिर खर्चा कैसे करती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, वो एक्सपेंडिचर के विषय में आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर के विषय में। पब्लिक रेवेन्यू, फिर गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है, गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, पहला सोर्स डायरेक्ट टैक्स जिसको इनकम टैक्स भी कहते हैं, दूसरा सोर्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसको जीएसटी आज कहते हैं आप लोग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से पब्लिक यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, पैसा कमाती है। पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट का डेट क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे डेट लेती है, वो कैसे कर्ज लेती है, उसके विषय में आप पढ़ेंगे। अगर यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे पब्लिक इंडियन पब्लिक फाइनेंस, मतलब भारत में पब्लिक फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे होता है, पब्लिक फाइनेंस कैसे होता है, भारत में बजटरी डेफिसिट क्या होता है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन, बजटरी प्रोसीजर और फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड एफआरबीएम। मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप यूनिट 4 में, मतलब अलग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स के मैं बस नाम ले सकता हूं अभी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो केवल आपके सिलेबस को डेडिकेटेड है, केवल सिलेबस आपको बताना है और टॉपिक्स बताने कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके पब्लिक फाइनेंस के जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगला आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपने पढ़ा था 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें आपने पढ़ा था सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। उसमें जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक था वही कम्युनिकेशन आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के रूप में आपको मिलेगा। और बिजनेस कम्युनिकेशन में आप पढ़ेंगे क्या क्या? तो बिजनेस कम्युनिकेशन में आप पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के फैसिलिटेटर्स कौन कौन से होते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, परसेप्शन और रियलिटी क्या होता है, रूल ऑफ ओपिनियन क्या होता है, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, मालफंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस एटिकेट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, पेक्यूलिटीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अलावा कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स और नोटिसेस, नोट्स, माइनर्स। मतलब यूनिट 1, 2 और 3 में आप बेसिकली पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के विषय में, कम्युनिकेशन के टाइप्स के विषय में, कम्युनिकेशन के बैरियर्स के विषय में। लेकिन जैसे यूनिट 4 आएगा तो आप पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन के विषय में, जो नोटिसेज होते हैं, एजेंडाज होते हैं, ऑफिशियल मेमोरेंडम होता है और कोटेशंस होते हैं। मतलब जितने भी रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जो भी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उसके विषय में आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला सब्जेक्ट आपका सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी आप अगेन क्लास 12 में पढ़ रखे हैं। क्लास 12 में आपका एक चैप्टर था मार्केटिंग, चैप्टर नंबर आई थिंक 12 था, जिसमें आपको मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया गया था। सेलिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। ठीक वही कुछ टॉपिक्स मिलते जुलते, सारे टॉपिक्स एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ मिलते जुलते टॉपिक्स मिलेंगे जो आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेलिंग का कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग का रोल क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इसके अलावा सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट क्या है। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, AIDA क्या है, DAGMAR मॉडल क्या है, अलग अलग मॉडल्स हैं एडवर्टाइजिंग के और मार्केटिंग के, वो सारे मॉडल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं लास्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो लास्ट आपका सब्जेक्ट है एक वोकेशनल कोर्स। ठीक है, वोकेशनल कोर्स फर्स्ट, इसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया जाता है आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो आपको पढ़ना होता है और उसका एग्जाम देना होता है। लेकिन ज़्यादा चिंता आपको ऊपर के जो 5 सब्जेक्ट्स थे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा चिंता करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छा एक सब्जेक्ट छूट गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था जो छूट गया, एक मिनट। हाँ, सेलिंग एडवर्टाइजिंग हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स शायद छूटा है। एक मिनट, नहीं आई थिंक शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स था ही नहीं आपके में, एक मिनट चेक कर लेते हैं। वो शायद 4th सेमेस्टर में है, हाँ सॉरी वो शायद 4th सेमेस्टर में। ये आपके 2nd सेमेस्टर के सिलेबस, इसमें आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आई थिंक ये 4th सेमेस्टर में है, और 2nd में फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स था। ठीक है, आपको अभी दिमाग लगाना है केवल 2nd सेमेस्टर पे, अगर आप 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो। 2nd सेमेस्टर का ये सिलेबस है और सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट है, मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, लेकिन पेपर पैटर्न थोड़ा सा आसान होगा। तो जैसे सब्जेक्ट्स की जानकारी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपको पेपर लगेगा। तो सब्जेक्ट की अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट MCQ चाहिए, तो आप हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपने सारथी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।